अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ जुरासिक वर्ल्ड देखने के लिए न्यूप्लेक्स सिनेमा में। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये 10 जून को रिलीज़ हुई है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको देखकर और कैसा लगा मुझे, मैं सब आपसे शेयर करूँगी। और कायदे आज़म जिंदाबाद जो है ये भी आप देख रहे हैं, इसके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जो ईद उल अज़हा बकरा ईद पर आएगी। और जो है मेरी असल में बर्थडे थी, तो बर्थडे के लिए जो है वो हमने प्लान बनाया था कि हम कहीं जाएंगे बाहर आउटिंग पे और फिर डिनर वगैरह करेंगे। तो मैंने सोचा कि चले सिनेमा ट्राई कर लेते हैं, ये फिल्म अच्छी है काफ़ी। 3D में देखी थी हमने जुरासिक वर्ल्ड, तो बहुत मज़ा आया था देखने में। आपको पता है कि ये जो है डायनासोर की 3D में देखने में तो मज़ा ही आता है। और न्यूप्लेक्स सिनेमा जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और जो है वो बहुत हर चीज़ अच्छी थी। और मुझे जो है वो इनका साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है वो रियल में डायनासोर निकल के आ गए। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने यहाँ पे ये रशियन सैलेड ले ली थी और जो है वो जिंगर बर्गर ऑर्डर किया था, भूख लग रही थी, भूख का टाइम था, तो हमने सोचा कि चले हम ट्राई कर लेते हैं। हमारा 11:15 बजे का शो था रात का, तो हमने खाना नहीं खाया हुआ था, हमने सोचा कि हम खा लेते हैं। एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम डिनर जो है वो बाहर करेंगे, लेकिन हमें लेट हो गया था, तो हमने कहा इससे पहले कि हमारा शो मिस हो जाए हम डायरेक्ट सिनेमा पहुंच गए। और जब हम सिनेमा आए तो ऑब्वियसली हमारा भूख का टाइम था, तो हमने यहीं से लेकर खा लिया था। लेकिन जो है हमने कहा कि जब 1:30 बजे तक 2 बजे तक फिल्म ख़त्म होगी, तो उस वक्त जो है कोई अच्छा जो है रेस्टोरेंट पता नहीं हो खुला या ना हो, तो इसलिए हमने यहीं पे खा लिया था। और ये हमने पॉपकॉर्न लिए थे, 2 फ्लेवर्स के लिए थे हमने। मैंने साल्टी फ्लेवर लिया था और मेरे हस्बैंड ने मिक्स लिया था, साल्टी और कैरेमल, क्योंकि उन्हें जो है वो दोनों ही अच्छे लगते हैं और मुझे तो कैरेमल इतने खास नहीं लगते, तो मैंने सिर्फ साल्टी लिया था। और ये पॉपकॉर्न भी जो है वो 700 के करीब हमें पड़े थे, 350 समथिंग कुछ थे इस तरह के, जो था इसका, तो बहुत महंगा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। और वो जिंगर भी हमें 400 का और 400-500 का हमें वो रशियन सैलेड पड़ी थी, काफ़ी एक्सपेंसिव था सब कुछ यहाँ पे। लेकिन चले खैर है, जब आप तफरी करने जाते हैं तो पैसे की शक्ल तो कोई नहीं देखता, आपको पता है। लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी जो है वो आपको नॉलेज में हो कि अच्छा इतने तक का यहाँ सब मिलता है। और 900 की जो है देख रहे होंगे आप, 12 जून का 900 का हमें ये पड़ा था टिकट, ईच 900। और जो है ये हमारा 11:15 बजे का शो था, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब हम आ गए थे सिनेमा के अंदर और फिर हम जो है वो बैठ गए थे देखने के लिए। स्टार्ट होने वाली थी मूवी, तो बस हमारे आते ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी मूवी। और फिर जो है वो काफ़ी मज़ा आया मुझे देखने में। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप जो है इस तरह की फ़िल्म्स देखें तो आप 3D में देखें, क्योंकि 3D का एक अलग ही मज़ा होता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो है वो सच में हो रहा है सब कुछ। और ये फ़िल्म भी काफ़ी अच्छी थी, मैं इसका यही आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं इसको 10/10 तो नहीं पर 8/10 दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया देखने में। और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, मतलब ऐसी स्टोरी नहीं थी जो घिसी पिटी होती है कि शुरू में एक जैसी चल रही है फिर एंड में एक जैसी चल रही है, ये चीज़ नहीं थी। मतलब शुरू से लेकर एंड तक ने बहुत इन्जॉय किया इसको। और जो स्टूडेंट्स जो है बायो के हैं, जेनेटिक्स के हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छे से इस फिल्म को समझ सकेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने जीन्स के ऊपर इसमें बताई हैं, बायोसिन वगैरह, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट ही समझ। ये ड्रेस पैंट निकाली थी मैंने इसके साथ ब्लैक कलर की, वैसे इसके साथ जो है वो स्कर्ट था, लेकिन वो स्कर्ट जो है वो मतलब ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ना सिनेमा में स्कर्ट पहनना तो मुझे सही नहीं लग रहा था, ज़ाहिर है मैक्सी वगैरह पहनना, तो मैंने ये ड्रेस पैंट निकाल ली थी, तो काफ़ी कूल सा लग रहा था। और ये बहुत गर्मी के हिसाब से भी बिल्कुल सही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो ये टॉप निकाल लिया था। और ये साथ में मैंने कुछ एसेसरीज निकाल ली थी, वैसे इन सब की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बस मेरा मूड हुआ कि बर्थडे तो चलो पहन लेते हैं, तो मैंने वॉच और ये जो है रिंग्स वगैरह और ब्रेसलेट वगैरह और ये क्लिप्स वगैरह निकाल लिए थे पहनने के लिए मैचिंग के। और बहुत जल्दी में हम लोग निकले, मतलब मैं तैयार भी नहीं हो सकी ठीक से। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो है वो टाइम निकल रहा था शो का, तो इसलिए हम बहुत जल्दी में निकले, लेकिन बहुत मज़ा आया, मैंने अपनी बर्थडे बहुत इंजॉय की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।